नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कम्युनिकेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो चलो आज हम लोग शुरू करेंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, है ना। तो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक, उन सब में जो हिस्ट्री क्वेश्चन आए हुए थे, उनका जो आंसर लिया हुआ है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए, ये है प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चन को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस स्थान में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र विद्यमान था, है ना। तो मौर्य काल में कह रहा है किस स्थान में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र विद्यमान था। तो भाई मौर्य काल से ही क्यों, ये तो पहले महाजनपद काल से शिक्षा का केंद्र बना हुआ था, है ना। ये तो बिंबिसार के समय से ही बना हुआ था। तो इसका आंसर क्या है, ए है, तक्षशिला है, ठीक है। नालंदा बाद में आया है, गुप्तों के समय, विक्रमशिला जो है वो पाल वंश के समय था, और लभी तो शिक्षा केंद्र था नहीं, तो तक्षशिला जो है वो शिक्षा का केंद्र था, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि कौन सा दर्शन जो है शिक्षण में परियोजना पद्धति की अनुशंसा करता है, है ना। तो इसका आंसर लिया गया है प्रयोजनवाद। भाई प्रयोजनवाद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रयोजनवाद को इंग्लिश में प्रैग्मेटिज्म में बोला जाता है, और जिसका अर्थ क्या होता है, किसी कार्य या सिद्धांत को करने के लिए व्यवहारिकता और उपयोगिता का अति आवश्यक होना होता है। तो ये जो प्रयोजनवाद है, ये आत्मा को, ईश्वर इत्यादि को स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है, बता रहा है कि योग सूत्र के रचयिता कौन है, है ना। योग सूत्र के रचयिता कौन है, ये पूछ रहा है। तो भाई इसका आंसर क्या है, पतंजलि है। योग सूत्र रचयिता कौन है, पतंजलि है, ठीक है। पतंजलि ने क्या लिखा था, देखिए पतंजलि ने लिखा है, क्या लिखा है, महाभाष्य लिखा है। उसका जो ग्रंथ है पतंजलि का, वो महाभाष्य रहा है। महाभाष्य के बारे में क्या, महाभाष्य में क्या बताया गया कि पुष्यमित्र सुंग के समय जो इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, उसके बारे में वहाँ पे वर्णन किया गया है। तो यहाँ योग सूत्र योग दर्शन का मूल ग्रंथ है, इसकी रचना महर्षि पतंजलि ने की थी, ठीक है। अब उस पर देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है, वो बताया है निम्नलिखित में से किस स्थान में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे, है ना। तो यहाँ देखिएगा, जब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं, मौर्य काल पढ़ते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके बारे में बोला जाता है कि उसके शासन काल में 12 वर्ष का काल पड़ा था, जिससे क्षुब्ध होकर वह अपने जैन गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण की ओर चले गए थे। दक्षिण यानी कहा कर्नाटक चले गए थे। कर्नाटक में एक स्थान है श्रवणबेलगोला, तो श्रवणबेलगोला में इन्होंने क्या किया था, संथारा किया था, संलेखना किया था, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि उसी स्थान पर एक बाहुबली की प्रतिमा बनाई गई थी। बाहुबली कौन है, तो ये जो ऋषभ देव रहे हैं, तीर्थंकर रहे हैं जैन धर्म के, तो उनके पुत्र रहे हैं ऋषभ देव। तो वहाँ पर उनकी एक प्रतिमा है, ठीक है, बाहुबली की प्रतिमा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है वो इस तरफ से है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए, किस बौद्ध भिक्षु ने कनिष्क को चौथी बुद्धिस्ट समिति बुलाने का सुझाव दिया था, तो इसमें आंसर लिया गया है अश्वघोष ने दिया था करके आंसर लिया गया है, ठीक है। देखिए चौथी बौद्ध समिति जो थी वो 100 ईस्वी में हुई थी, उस समय शासक कौन था, कनिष्क था। कहाँ हुआ था ये जो हुआ था वो जालंधर में, कश्मीर में, है ना। तो यहाँ पर ये हुआ था, ठीक। इसमें क्या हुआ था कि इसमें अश्वघोष भी शामिल हुए थे, ठीक है। और अश्वघोष ने क्या लिखा, अश्वघोष को क्या कहा जाता है, भारत का मिल्टन कहा जाता है। उसने क्या लिखा है, तो उन्होंने लिखा है बुद्ध चरित्र लिखा है, सौंदरानंद लिखा है, सूत्रालंकार की रचना की है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्यादवाद का दर्शन किसने स्थापित किया था, है ना। तो स्यादवाद का दर्शन है वो महावीर स्वामी से संबंधित है, ठीक। स्यादवाद जो है जैन धर्म में संबंधित, इनकी संख्या 7 होती है, और ये जो है ज्ञान प्राप्त करने का एक सापेक्षिक सिद्धांत भी है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बता रहा है कि निम्नलिखित में कौन विशिष्टता द्वैतवाद के दर्शन के प्रवर्तक थे, तो इसका आंसर है रामानुजाचार्य, ठीक है। देखिए रामानुजाचार्य जो रहे हैं, इनको ही श्रेय जाता है कि भक्ति को दक्षिण से उत्तर की ओर लेकर के आए। ये सबसे पहले ऐसे संत रहे हैं जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया था, हिंदी में अपने उपदेशों का प्रचार किया था, ठीक है। तो जो विशिष्टता द्वैतवाद है उसमें ये बताया गया है कि जो जगत और जीवात्मा दोनों ब्रह्म से भिन्न भी हैं और दोनों ब्रह्म से उद्भूत भी हैं, ठीक है। तो इसे बताया गया है कि मतलब ये ब्रह्म और ये जो जगत है ये दोनों से अलग भी हैं और अलग नहीं भी हैं, जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश होता है, तो उसी तरह से इन्होंने यहाँ पे बताया है।
उस वक्त देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है क्वेश्चन क्रमांक 8, रास तरंगिणी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो रास तरंगिणी लेखक जो है वो कल्हण है, कल्हण, ठीक है, कल्हण इनके लेखक है। देखिए कल्हण जो रहे हैं वो लोहार वंश के शासक रहे हैं, हर्ष उनके उनके दरबार में ये थे, और जो हर्ष हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है कश्मीर का नीरो कहा जाता है, कश्मीर का नीरो, हीरो नहीं ना, नीरो कहा जाता है, याद रखिएगा नीरो, NERO, नीरो मतलब क्या था, ये एक रोम का शासक था, तो इसके इसकी तुलना जो है उससे की जाती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज, देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या क्या क्वेश्चन दिया गया इसको देख लेते हैं। देखिए तो नेक्स्ट पेज में सबसे पहला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट पेज में पहला जो क्वेश्चन है बताया गया है कि श्रीगुप्त प्राचीन भारत गुप्त वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो प्राचीन भारत में जो गुप्त वंश रहा है उसका संस्थापक कौन है, भाई उसका संस्थापक तो है श्रीगुप्त है, है ना, ये है श्रीगुप्त, ठीक, संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त है। देखिए इनके बारे में कहाँ से पता चलता है, भाई इनके बारे में पता चलता है प्रभावती गुप्त का जो ताम्रपत्र अभिलेख रहा है उसमें इनका वर्णन किया गया है, और जो श्रीगुप्त रहे हैं ये स्वतंत्र शासक नहीं रहे हैं, इनकी उपाधि जो रही है वो महाराज की रही है, न कि महाराजाधिराज की रही है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मगध में मंदिर बनवाने के लिए 24 गांव दान में दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्नलिखित दक्षिण भारत के राजाओं को उनके वंश के अनुसार सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो वंश के अनुसार सम्मिलित करते हैं, देखिए यहाँ नरसिंहवर्मन बोला है, तो नरसिंहवर्मन जो है वो किसका है, वो पल्लव वंश का शासक रहा है, पल्लव वंश का, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है परांतक, तो परांतक जो रहा है वो पांड्य का रहा है, परांतक जो रहा है वो पांड्य वंश का रहा है। कुलोत्तुंग, ठीक है, तो कुलोत्तुंग जो शासक रहा है वो चोल वंश का रहा है, और विष्णुवर्धन जो है वो होलसा वंश का रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बता रहा है कि जैन धर्म में, ठीक है एक मिनट में इसको इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए बता रहा है उसके बाद कि जैन धर्म के अनुसार निम्नलिखित सिद्धांत त्रिरत्न का नहीं है, है ना। तो जैन धर्म में जो त्रिरत्न सिद्धांत होते हैं वो कौन कौन होते हैं, सम्यक दर्शन होता है, सम्यक चरित्र होता है, और सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक सूत्र तो नहीं होता। तो यहाँ ये बताया गया है कि भाई जैन धर्म में अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो किसी भी व्यक्ति को त्रिरत्न का पालन अवश्य करना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर बताया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरा स्थल जो हरियाणा में स्थित है उसको बताइए करके बोल रहे हैं, है ना। तो देखिए जो लोथल है वो कहाँ है, वो तो गुजरात में है, ठीक है। रोपड़ जो है वो कहाँ है, वो पंजाब में है। कालीबंगा जो कहाँ है वो राजस्थान में है, और राखीगढ़ी कहाँ है, ये जो है वो हरियाणा में है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भाई हरियाणा में संबंधित राज्य है, हरियाणा में कौन सा पुरा स्थल स्थित है इसको बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा, राखीगढ़ी होगा, ठीक है। इसकी खोज कब हुई थी, 1963 में हुई थी, और सूरजवान ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो यह जो है विस्तार के आधार पर सबसे बड़ा क्षेत्र है, भारत का विस्तार के आधार पर सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, राखीगढ़ी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इस तरह यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए राज्यों में निम्नलिखित राज्य दक्षिण भारत दक्षिणापथ का नहीं है, है। तो समुद्रगुप्त ने क्या हुआ था भाई, समुद्रगुप्त ने दक्षिण में 12 राज्यों का विजय किया था, और 12 राज्यों का विजय करने कारण को उनका एक नीति था ग्रहण मोक्षानुग्रह, ठीक है। तो ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति के तहत उन्होंने दक्षिण भारत के 12 राज्यों का विजय किया था, ठीक है। तो इनमें से क्या क्या है, देखिए इनमें से जो है वो कोटकुला जो है ये कन्नौज में था, कन्नौज, और कन्नौज यानी कहाँ, उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो ये जो क्षेत्र रहा है कोटकुलज या कोटकुल जिसको बोलते हैं वो उत्तर में रहे हैं, बाकी जो पिष्टपुर है, कौशल है और अमुक्त है, ये जो है उनके दक्षिण अभियान के हिस्सा रहे हैं, है ना। उसके बाद देखते हैं, देखिए उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में किस धर्म से माध्यमिका मार्गदर्शन है वो संबंधित है पूछ रहे हैं, है ना। निम्नलिखित में किस धर्म से माध्यमिका दर्शन संबंधित है, तो यहाँ किससे संबंधित है भाई, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए बौद्ध धर्म में संबंधित अन्य दर्शन भी कौन कौन से, जैसे अनिश्वरवाद है, अनात्मावाद है, क्षणिकवाद है, मध्यम मार्गी है, ठीक। तो ये सभी जो है वो माध्यमिका जो ये सब जो सिद्धांत है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और माध्यमिका दर्शन जो भी है वो बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिंधु घाट सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों को उनके नदियों के अनुसार सुमेलित करना है, है ना। तो नदियों के अनुसार सुमेलित कर लेते हैं। देखिए लोथल, लोथल जो है किस नदी किनारे है, तो भोगो नदी किनारे है, ठीक है। रोपड़, रोपड़ जो है वो कहाँ है, सतलज नदी किनारे है पंजाब में। चनहुदड़ो, चनहुदड़ो जो है वो सिंधु नदी किनारे है। और जो बणावली है वो सरस्वती नदी के किनारे हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक बी, जिसमें बताया गया है सी डी ए और बी, तो ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। वैसे ये जो चीज़ें हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन तो आना तय ही रहता है प्रत्येक बार। देखिए निम्नलिखित में बताया, नेक्स्ट बताया है निम्नलिखित में से किसने पूर्व सुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ का संचालन किया था। तो अभी हम पतंजलि के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ मैंने बताया था कि जो है पतंजलि ने पूर्व सुंग के लिए क्या करवाया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और इसका उल्लेख उसने किसमें किया है, इसका उल्लेख उसने अपने जो पुस्तक है, ग्रंथ है महाभाष, है ना, महाभाष में इसकी रचना, इसके बारे में बताया हुआ है। इनके पुरोहित जो थे वो कौन थे, पतंजलि थे। भाई ये क्यों करवाया गया था, क्योंकि पुष्यमित्र सुंग के समय क्या हो रहा था, यवनों को आक्रमण, यवनों का आक्रमण हो रहा था, तो यवनों को पराजित करने के लिए इन्होंने ऐसा किया था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, निम्नलिखित में किस गुप्त सम्राट ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला कौन है भाई, ये चंद्रगुप्त द्वितीय है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही क्या कहते हैं, विक्रमादित्य कहते हैं। और इनके अन्य उपाधियां हैं देखिए, जिसके यहाँ पे बताया गया है, तो मैं विक्रमादित्य के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। देखिए विक्रमादित्य जो रहे हैं वो 57 BC में सबसे पहले शकों को पराजित किए थे, ठीक है। तो विक्रमादित्य एक्चुअल में जो विक्रमादित्य रहे, वास्तविक जो उपाधि नहीं है, किसी का नाम है, तो जो विक्रमादित्य नामक एक शासक रहे 57 BC में, उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले शकों को पराजित किया था। अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया, शकों को जब पराजित किया तो इन्होंने विक्रमादित्य को याद करते हुए उनकी स्मृति में ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब 57 BC में जब विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया, तो इस उपलक्ष्य में उसने क्या उन्होंने क्या जारी किया था, विक्रम संवत जारी किया था। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि जो भारत कैलेंडर है, जो हमारा हिंदी पंचांग है, वो 57 वर्ष आगे चलता है, ठीक है, उसका कारण यही रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है जैन धर्म की द्वितीय महासभा का आयोजन करने वाला शासक का नाम क्या था, ठीक है। तो जैन धर्म की जो द्वितीय महासभा है उसका आयोजन किसने किया था, कलिंग नरेश खारवेल ने किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, संभूति विजय थे। कहाँ किया था, कलिंग में किया था। कलिंग नरेश जो खारवेल हैं उनका संबंध किससे है, तो उनका संबंध है चेदी वंश से, ठीक है। और ये क्या थे, ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण होते हुए भी किसके अनुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी रहे हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार गृहस्थ के द्वारा किए जाने वाले 5 महायज्ञ के अंतर्गत स्वाध्याय एवं संधोपासना किस यज्ञ के लिए किया जाता है, है ना। तो ये किया जाता है ब्रह्म यज्ञ के लिए। ब्रह्म यज्ञ में क्या होता है कि स्वाध्याय करना होता है, संध्या का भजन करना होता है, पूजा पाठ करना होता है, सब इसी में होता है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो न्याय दर्शन का प्रतिपादन महर्षि गौतम ने किस ग्रंथ में किया है, तो किस में किया है, न्याय सूत्र में किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल के किस ग्रंथ में गुप्तों की राजनीति और प्रशासन का सुंदर विवरण है। तो जैसे मौर्य काल में क्या हुआ था कि मौर्य काल में जो चाणक्य हैं, चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में उन्होंने क्या बताया था कि जो
मौर्य काल है उनके राजनीतिक स्थिति का वर्णन वहाँ पे किया था, तो उसमें जो सिद्धांत दिया गया था उसी सिद्धांत को सार रूप से कामंदक ने अपनी रचना नीति सार में वर्णन किया है। ये देखिए, तो इसका आंसर क्या है, कामंदक द्वारा लिखा गया नीति सार। ठीक है, तो अब चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से हमें मैच करना है ना। तो देखते हैं, देखिए वराह मिहिर ने क्या लिखा है, इसको देख लेते हैं। वराह मिहिर का जो ग्रंथ है वो है सूर्य सिद्धांत, है ना। सूर्य सिद्धांत वराह मिहिर ने दिया था, और ब्रह्मगुप्त ने दिया है बृहद सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद जो तीन नंबर है वराह मिहिर का सिद्धांत शिरोमणि, ठीक है, और चार नंबर है खंड खांडक्य भास्कर का है, ठीक है, और पेलाक्या का है हस्तुर्वेद। ठीक, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन क्या लिया, आंसर क्या लिया हुआ है, आंसर बी लिया हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है कि सूची एक को सूची दो से हमें मैच करना है। ठीक है, सूची एक को सूची दो से फिर मैच करना है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, हालांकि ये जो क्वेश्चन है वो सिंधु घाटी सभ्यता से है। ठीक, देखिए क्या बोल रहा है, हड़प्पा, तो हड़प्पा में बताया गया दोहरा शवाधान हड़प्पा, हालांकि जो युगल समाधान है वो लोथल से भी पाया गया है ना। तो हड़प्पा में क्या लिखा गया है, दोहरा समाधान लिया गया। देखिए यहाँ दो प्रकार के कब्रिस्तान भी पाए गए हैं। ठीक, लोथल में बताया गया बक्सों में समाधान, लोथल में है बक्सों में समाधान, कालीबंगा। तो कालीबंगा में क्या होता था कि ईंटों से बने हुए कक्षों के बारे में बताया जाता था, और सुरकोटदा में है बर्तन में समाधान। ठीक है, तो ये हिसाब से इसका हम सुमेलित करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित क्वेश्चन है। देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, टेट के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं थोड़े अलग ही प्रकार के क्वेश्चन है, तो उसको ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ बताया गया है कि सिंधु सभ्यता के ऐसे दो स्थलों का नाम बताइए जहाँ चावल के कास्त किए जाते थे और सबसे प्राचीन भी हैं। तो इनमें आंसर लिया गया है किसको, आमरी को और लिया गया है कोलदहवा को। ठीक है, और आमरी कहाँ है भाई, आमरी जो है वो पाकिस्तान में बताया गया, पाकिस्तान में है, और कोलदहवा कहाँ है, यूपी में है। तो यहाँ बताया गया है कि ये जो दो क्षेत्र हैं वो ऐसे प्राचीन क्षेत्र हैं जो जिनका संबंध किससे है, सिंधु सभ्यता से है, और यहाँ में चावल की काश्तकारी की जाती थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन वैदिक संस्कृति के संबंध में सही है, है ना। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वैदिक संस्कृति के संबंध में सही है। यहाँ आपको ध्यान ये देना है कि सिर्फ यहाँ ऋग्वैदिक या उत्तर वैदिक नहीं पूछ रहा है, वैदिक संस्कृति पूछ रहा है ना। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन वैदिक संस्कृति के संबंध में सही है। तो पहला बोल रहा है कि यह जो है वैदिक संस्कृति सीधी और सरल थी, बिल्कुल भी सही नहीं है। सीधी सरल तो थी ही नहीं, जटिल प्रक्रिया थी, जातिवाद शुरू हो चुका था, गोत्रवाद शुरू हो चुका था। वैदिक संस्कृति ने महिला सशक्तिकरण को महत्व दिया था, नहीं, ऋग्वैदिक काल में पहली बार में दिया गया था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि महिलाओं की जो स्थिति थी उनमें गिरावट आ चुकी थी। ठीक है, देखिए तीसरा बोल रहा है कि वैदिक संस्कृति अकेश्वरवाद पर आधारित थी, बिल्कुल भी नहीं भाई। वहाँ पे आकाश के देवता, पृथ्वी के देवता, ठीक है, अंतरिक्ष देवता अलग अलग करके डिवाइड पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ अकेश्वरवाद पर आधारित थी ही नहीं, बहुदेववाद थी। ठीक है, उसको बताया गया चौथा कि वैदिक संस्कृति ने यज्ञों को महत्व दिया था, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें उस समय क्या होता था, यज्ञ किए जाते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो जब तक आप इनको डिटेल से नहीं पढ़ोगे ना, थोड़ा सा आपको समस्या होगा, लेकिन हो जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए उसको बता रहा है नेक्स्ट है, सही मिलाव नहीं है बोल रहा है ना। तो सही मिलाव नहीं है बोल रहा है, तो इनमें देखिएगा कलिंग की जो राजधानी रही है वो जौगढ़ रही है, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला रही है, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरि रही है, ये मौर्य कालीन बात कर रहा है। अवंतीरथ की राजधानी उज्जैन यहाँ बोला जा रहा है उज्जैन, लेकिन ये क्या थी, उज्जैनी थी और एक माहिष्मती थी। ठीक है, तो इसी कारण से शायद इसका आंसर क्या लिया हो, डी लिया हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से शिलालेख में अशोक ने स्वयं को अशोक राजा संबोधित किया है। ठीक है, तो इसमें क्या लिया गया है, आंसर लिया गया है कर्नाटक में ब्रह्मगिरि स्थित छोटा शिलालेख द्वितीय, इसमें इसको
क्या बताया गया है, स्वयं को अशोक राजा कहा गया ऐसा बताया गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आंसर लिया गया है इसका, मौर्य काल में श्रेणी का अर्थ क्या होता है ना। तो मौर्य काल में श्रेणी का अर्थ होता है, एक्चुअल में इसका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए व्यापारी एवं शिल्पी संघ, लेकिन इसमें आंसर लिया हुआ है बी को, है ना, सेना का पद लिया हुआ है। अब सेना का पद इसका आंसर लिया, से आंसर तो क्या था, व्यापारी एवं शिल्पी संघ होना चाहिए था। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस जो हैं उनको बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ प्राचीन भारत की जितने भी चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, खत्म होने वाला ये क्वेश्चन। तो यहाँ देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय इतिहास का स्रोत नहीं है, मतलब भारतीय इतिहास जानने का स्रोत नहीं है ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या लिया गया है, पुरातात्विक स्थल जो है वो नहीं है लिया गया है। जबकि हम देखें तो यहाँ जो मैंने डिवाइड किया है, आप देखिएगा कि कौन कौन से जो है भारत के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत रहे हैं। तो देखिए भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, भाई पुरातात्विक स्रोत होते हैं जिनमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, वास्तुकला के बारे में पढ़ते हैं, अभिलेख, चित्रकला, सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं। साहित्यिक स्रोत में क्या होता है कि भाई इसमें तीन तरह के जो ग्रंथ हैं वो आते हैं, वैदिक साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य, और विदेशी यात्रियों का जो यात्रा वृत्तांत होता है वो जो होते हैं, ये इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत होते हैं। लेकिन यहाँ जो आंसर लिया हुआ है वो लिया है पुरातात्विक स्थल लिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है तो रिपीट क्वेश्चन है, देखिए किस वंश का संस्थापक, गुप्त वंश का संस्थापक निम्न से कौन है, तो इसका आंसर तो यही है, कौन है, श्रीगुप्त है, है ना। तो ये हमारा प्राचीन इतिहास कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास की ओर, तो शुरू करते हैं मध्यकालीन इतिहास से, है ना। देखो मध्यकालीन इतिहास में पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है वो बोल रहा है कि मुगल काल के निम्नलिखित में से किस विद्वान ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, है ना। तो इसका आंसर क्या है भाई, इसका आंसर जो है वो बदायूनी है, है ना, बदायूनी, यानी कि ऑप्शन इसमें बी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखिएगा, कब कराया गया था भाई मुगल, यहाँ बताया गया कि मुल्ला अब्द उल कादरी बदायूनी फारसी, फारसी मूल के भारतीय इतिहासकार थे, इन्होंने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था जो मुगलों के सेवा में 1574 में आए थे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा दूसरा जो क्वेश्चन है वो बता रहा है कि किस वर्ष पानीपत का जो युद्ध है वो लड़ा गया था। तो पानीपत का जो युद्ध है, पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, यहाँ पे द्वितीय है, है ना। तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो कब लड़ा गया था, तो वो लड़ा गया था कब, 1556 ईस्वी में। देखिए 1556 ईस्वी में क्या हुआ था कि 1556 ईस्वी में जो हेमू है और जो अकबर है इसके मध्य ये युद्ध हुआ था, है ना। जब पता चला था हेमू को कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है और अकबर जो है कालानौर में है, तो इस वजह से उसने क्या किया था, आक्रमण किया था और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। जब अकबर कालानौर से बहराम खां के साथ जब वापस आता है तो दोनों के मध्य युद्ध होता है और पुनः मुगल सत्ता की स्थापना हो जाती है, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है कि किस युद्ध के बाद हुमायूं ने जल किश्ती की मदद से गंगा नदी पार किया था, है ना। तो आंसर क्या है, चौसा है। देखिए चौसा के युद्ध में क्या हुआ था कि जब शेरशाह सूरी के साथ हुमायूं का भिड़ंत होता है, सामना होता है, तो इस युद्ध में जो हुमायूं होता है वो पराजित हो जाता है। फिर एक भिश्ती क्या करता है, इसको गंगा नदी क्रॉस कराता है, पार कराता है, और उस समय जो हुमायूं होता है उसको वादा करता है कि उसको क्या करेगा, एक दिन का भारत का राजा बनाएगा, सम्राट बनाया करके वादा किया रहता है। जब वो बैठता है तो वह क्या करता है कि चमड़े का सिक्का भी जारी करता है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट देखते हैं इसमें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो बोल रहा है कि एक पुस्तक है, बोल रहा है तबकाते नासिर का लेखक कौन है, है ना। तबकाते नासिर का लेखक कौन है, तो मिन्हाज उस सिराज है, मिन्हाज उस सुराज सिराज, ये जो है इल्तुतमिश के दरबारी कवि था, इल्तुतमिश का समकालीन था, उसी के दरबार में है रहता था। इसने क्या लिखी है, तबकाते नासिर लिखी, इसी ग्रंथ में क्या कहा गया, भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है कि, अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, देखिए निम्नलिखित में से सल्तनत के किस सुल्तान ने बाजारों के मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी, मतलब सीधा सीधा बात है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी, तो वो कौन था, तो भाई वो कौन था, वो अलाउद्दीन खिलजी था। इसने तीन तरह के बाजार
बनाए थे, है ना, कौन कौन सा, सराय अदल, सराय सराय ए अदल का निर्माण करवाया था, उसके अलावा गल्ला बाजार था, पशु बाजार था, और इन पर नियंत्रण करने के लिए कई अधिकारियों के बीच ने नियुक्ति की कर रखी थी, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा कि यहाँ बताया गया है कौन कौन से कुछ यहाँ पे स्थापत्य कला हैं, कौन कौन से जो हैं, कहाँ कहाँ हैं ये बताया गया है। देखिए पहले है झिंझरी मस्जिद, झिंझरी मस्जिद कहाँ है भाई, ये जो है वो जौनपुर में है, जौनपुर में झिंझरी मस्जिद, ठीक है। फिर आता है हिंडोला महल, हिंडोला महल कहाँ है, तो ये जो है वो मालवा में है हिंडोला महल, ठीक है। और अहमद शाह का मकबरा गुजरात में है, अहमद शाह का मकबरा जो है गुजरात में है, और लोटन मस्जिद जो है वो कहाँ है, बंगाल में है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या है, सी है, 2, 4, 3 और 1 इसका प्रमुख आंसर होगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बताया गया है कि सूफी सिलसिले के प्रमुख संतों का यहाँ पे सम्मिलित करना है, उनके प्रमुख संत कौन कौन से हैं, ये सूफी सिलसिले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ बोल रहा है चिश्ती सिलसिला, है ना, तो चिश्ती सिलसिला कौन कौन होगा यहाँ पे, हालांकि चिश्ती सिलसिला का जो प्रणेता है वो कौन है, मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, लेकिन यहाँ उनका ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ क्या लिया गया है, आंसर लिया गया है हमीउद्दीन नागौरी, हमीउद्दीन जो नागौरी हैं इनका आंसर लिया गया है ये बी, ठीक है। सुहरावर्दी सिलसिला, तो सुहरावर्दी जो सिलसिला है उनका प्रणेता है जकारिया, शेख बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है। फिर नक्शबंदी, नक्शबंदी का आंसर जो है वो है शेख अहमद फारूखी, और कादिर सिलसिला का है मोहम्मद गौस, है ना, तो ये आंसर इसका क्या होगा, सी होगा, 2, 1 और 4, 2, 3, 1, 4, 2 इसका आंसर होगा। देखिए जो सूफी सिलसिला रहा है ये मध्यकालीन इतिहास का प्रमुख चैप्टर है, ठीक है। इसमें से हर वर्ष या फिर हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, और अभी तो ये इसमें से मैंने देखा है कि इसमें से क्वेश्चन आ ही रहा है, तो इसको अच्छे से आप तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो महिला भक्त संत लल्ला देद के बारे में पूछ रहा है, महिला भक्त संत लल्ला देद, है ना, महिला भक्त संत लल्ला देद जो है कहाँ से, कहाँ की संत रही हैं ये पूछा गया है, है ना, तो ये कहाँ की रही है, ये कश्मीर की रही है, ठीक है, कश्मीर की रही है, इनका संबंध किससे, कश्मीर से रही, ये शैव भक्त रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा बोल रहा है कि कुछ स्मारक हैं, इन स्मारकों को उनके कालक्रम के अनुसार जमाना है, है ना। तो देखिए बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा जो है वो अकबर ने बनवाया था, अकबर, ठीक है, अकबर का समकालीन था, अकबर ने अपने समय में बनवाया था। आगरे का किला, आगरे का किला, फिर ताजमहल, आगरे किला लगभग बना है 1627 ईस्वी में, और ताजमहल जो है 1632 ईस्वी से 1653 ईस्वी के आसपास बना है, और मोती मस्जिद जो है 1647 ईस्वी के आसपास है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं ये 1665 ईस्वी के आसपास बना हुआ है, है ना, 1565 में है, 1565 में इसको बनाया गया है, ठीक है, 65 है वो, ठीक है। तो इस हिसाब से हम देखें तो बुलंद दरवाज़ा पहले है, फिर आगरे के दीवाने आम, फिर है ताजमहल, फिर है मोती मस्जिद, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तोताए हिंद किसे कहा जाता है ना, तोताए हिंद कहते हैं अमीर खुसरो को, ठीक है। तो अमीर खुसरो को क्या कहते हैं, तोताए हिंद कहते हैं, अमीर खुसरो की कुछ कुछ रचनाएँ भी रही हैं। तो देखिए तोताए हिंद क्या है, अमीर खुसरो है भाई, अमीर खुसरो ने क्या किया था, बलबन, बलबन का एक पुत्र था मोहम्मद, उसके समय से अपना शासनकाल शुरू किया था, और मोहम्मद बिन तुगलक तक वह किसी न किसी राज दरबार में कवि के रूप में कार्यरत रहा, मोहम्मद बिन तुगलक तक वो अपना कार्य किया था, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन से निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी द्वारा सल्तनत कालीन लेखक एवं उनकी कृति से सम्मिलित नहीं है, है ना। तो यहाँ बोल रहा है देखिए हसन निजामी जो है ताजुल मासूर के लेखक है, वो सही है, ठीक, हसन जामी ने ताजुल मासूर लिखा था, ये जो है रहे हैं लगभग कुतुबुद्दीन ऐबक के समय, है ना। फिर ये देखिए जियाउद्दीन बरनी, इन्होंने क्या लिखा है, फतवा जहाँदरी लिखा है। इशामी ने लिखा था फुतुह उल
सलातिन, ये सही लिखा हुआ है। इब्न बतूता, इब्न बतूता के पुस्तक का नाम था किताब उल रहला। और ये तुगलक नामा जो है ये लिखा है अमीर खुसरो ने, है ना, ये जो रचना है वो अमीर खुसरो की रही है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। इनका रचना क्या है, किताब उल रहला। इब्न बतूता जो है वो कहाँ से आए थे, तो मोरक्को वासी हैं। ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय आते हैं और इनको मोहम्मद बिन तुगलक जो होते हैं वो काजी के पद पर आसीन करते हैं और बाद में ये चीन भी चले जाते हैं। ठीक है, तो ये उस समय के इतिहास का वर्णन मिलता है हमें रहला में। ठीक, किताब उल रहला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ये एक क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खड़ी फसल पर लगान निर्धारित करने की पद्धति का नाम बताइए, है ना। तो इसका आंसर जो है वो ए है, कानकुत, है ना, कानकुत जो है इसका आंसर है। भाई यहाँ पे क्या होता था कि खड़ी फसल पर जो है लगान लगाया जाता था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है अकबर की राजपूत नीति से संबंधित नहीं है, है ना, असत्य है बोल रहा है, राजपूत नीति से असत्य है ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहां देखिएगा, यहां बोला है कि राजपूतों को सैनिकों और प्रशासनिक पदों, प्रशासनिक पद समाज में दिए गए थे। हाँ दिए गए थे, मानसी को देख लीजिए, मानसी को उसने अपना सेनापति बनाया था और राजपूतों को अपने सेना में भर्ती भी किया था। तो इस हिसाब से देखें तो ये जो ऑप्शन है ये सही है, है ना। राजपूतों को मुसलमानों के समकक्ष सैनिक तथा प्रशासकीय स्तर में माना गया था, बिल्कुल सही है, क्योंकि मानसिंह भी तो सेनापति के रूप में आसीन था, है ना, तो ये सही है। तीसरा, राजपूतों को कुछ हद तक मुसलमानों की तुलना में छोटे पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, फिर राजपूतों को प्रशासकीय मुखिया मुगल प्रांतों में बनाया गया था, ये सही नहीं है। सेनापति जरूर बनाया गया था लेकिन उन्हें किसी प्रांत का मुखिया नहीं बनाया गया था। ठीक है, सेनापति बनाया गया था लेकिन उसे किसी प्रांत का मुखिया नहीं बनाया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं, देखिए यहां बोल रहा है कौन सा जो पद है, कौन सा पद जो है मुगल कालीन, कौन सा पद मुगलों के केंद्रीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण होता था। ठीक है, तो यहां बताया गया मुगलों के केंद्रीय प्रशासन के जो मुगलों का केंद्रीय प्रशासन दिल्ली सल्तनत की तरह था। देखिए ऐसा हुआ था कि कुछ पद ऐसे हैं, कुछ विभाग ऐसे हैं जिन्हें मुगलों ने कहाँ से लिया है, सल्तनत से लिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत से लिया हुआ था। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही है। ठीक है, बादशाह झरोखा पद्धति को अपनाते थे, नहीं अपनाते थे क्योंकि सल्तनत काल में ऐसा होता नहीं था, ये तो सिर्फ मुगल काल में ही हुआ है, वो भी अकबर के काल में ही हुआ था। मीर बख्शी का स्थान दूसरे मंत्रियों से अधिक होता था, नहीं, मीर बख्शी जो था वो सैन्य प्रमुख हुआ करता था। वकील या वजीर केंद्रीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण पद रखता था, नहीं, महत्वपूर्ण पद केवल वकील लगता था, उसके बाद जो है वजीर जो है वो बाद में आए हैं। ठीक है, तो वकील सबसे पहले रहे हैं। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है कि इसका जो ऑप्शन है ए है वही ज़्यादा सही लग रहा है, इसलिए ऑप्शन इसका आंसर ए लिया गया है। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें बताया गया है कि कौन सा मुगल मकबरा इस दृष्टि से समझा जाए कि यह ताजमहल की प्रतिकृति है, है ना। तो यहाँ क्या हुआ था कि जो दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा है, दिल्ली स्थित जो हुमायूं का मकबरा है उसी के तर्ज पर ताजमहल का निर्माण भी शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, तो इसको कैसे बनाया गया है, भाई इसको चार बाग शैली में बनाया गया, मतलब इसके चारों ओर बाग का निर्माण किया गया, जैसे कि किसमें किया गया है, जैसे कि ताजमहल में किया गया है, तो यह इसकी प्रतिकृति मानी जा सकती है। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ और भी क्वेश्चन हैं मुगल का मध्यकालीन से। तो देखिए मध्यकालीन में एक दो क्वेश्चन जो है यहाँ पे रिपीट भी हुआ है, जैसे ये वाला, लिखित में कौन सी मुगल काल में भूमि कर निर्धारण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी, तो अभी आपने पढ़ा था इसका आंसर क्या, कानकुत पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी और कूच बिहार क्षेत्र में मध्यकाल में कौन सा भक्ति संत
विद्यमान भक्त संत विद्यमान थे, है ना। तो यहाँ आंसर क्या लिया हुआ है, ए लिया हुआ है, रैदास। रैदास जो है इनका जो जन्म हुआ है, ये इनका संबंध कहाँ से है, बनारस से है। रैदास जो रहे हैं वो कबीर के क्या रहे हैं, शिष्य रहे हैं, और कबीरदास जी ने रविदास कहकर पुकारा करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ बताया गया है कृष्ण भक्ति शाखा के दो संत हुए हैं, है ना। तो कृष्ण भक्ति शाखा के दो संत कौन कौन हुए हैं भाई, दो संतों में देखिए सबसे पहले तो हैं सूरदास और दूसरे हैं मीराबाई, ठीक है। और ये जो है तुलसीदास, ये राम भक्ति शाखा के हैं, कबीरदास जो है वो निर्गुण भक्ति शाखा से रिलेटेड है, ठीक है। तो इनका आंसर क्या होगा, 2 और 4 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे कुछ और जो है चिश्ती सिलसिला, जो मुगल कालीन जो सिलसिले रहे हैं उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन फिर आया हुआ है। देखिए मैंने बोला था ये जो क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस चैप्टर को आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, हो सकते हैं आने वाले एग्जाम में फिर से पूछा लाए, है ना। तो देखिए यहाँ बोला गया है कि मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किससे संबंधित है भाई, इनका संबंध किससे है, ये चिश्ती सिलसिला से रहे हैं, चिश्ती सिलसिला, ठीक है। फिर उसके बाद है शेख बहाउद्दीन जकारिया, है ना। तो बहाउद्दीन जकारिया जो रहे हैं वो किससे रहे हैं, सुहरावर्दी सिलसिले से रहे हैं। और अब्दुल कादरी जिलानी का संबंध किससे रहा है, कादरिया सिलसिला से रहा है। और शेख अब्दुल्ला सत्तारी, इनका संबंध है सत्तारी सिलसिला से, ठीक है। तो अब देखिए इस बात कुछ और क्वेश्चन इसमें बच गए हुए हैं, उसको देख लेते हैं। शाहजहाँ ने नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है कि यहाँ बताया गया है कि शाहजहाँ निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया है, है ना। तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करा, देखिए लाल किले का निर्माण करवाया है, जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण करवाया है, आगरा का किला का निर्माण, ताजमहल का निर्माण, है ना। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में आगरा का किला का निर्माण, है ना। तो आगरा किला का निर्माण किसने करवाया है, ये करवाया है अकबर ने, ठीक। बाकी इसका किसने निर्माण करवाया है शाहजहाँ ने, इसका निर्माण किसने करवाया, अकबर ने करवाया था, ठीक है। हेमू और अकबर के मध्य युद्ध कब हुआ था, तो वो कब हुआ था भाई, 1556 में हुआ था। ये द्वितीय पानीपत युद्ध के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो चीज़ रहा है, ये जो मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया है अभी इसका इतिहास का, जिसमें प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास है, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें आधुनिक इतिहास का पूरा वीडियो आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू।